साईं बाबा को बताया मैंने क्या मांगा है. बिल्कुल, मैं आज शिरडी के साईं बाबा के पास आई हूँ अपनी झोली लेकर. मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि बाबा मेरी बात सुन लेंगे और मेरी झोली भर जाएगी. निर्दलीय बिल्कुल नहीं है, कल पता चल जाएगा. कल पता चल जाएगा आपको मैं कौन सी पार्टी से लड़ रही हूँ. लोकसभा चुनाव मैं जो नॉर्थ वेस्ट लड़ रही हूँ वो कौन सी पार्टी से, कल सुबह आपको पता चल जाएगा. मुद्दे हैं, हम तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत खुश थे, लेकिन मुझे लगता है कि साईं बाबा के मंदिर में यहाँ पे बहुत सारी बातें नहीं करनी चाहिए. ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए. बस अब मैं आ गई हूँ जनता की सेवा करने के लिए. जो परेशान है जनता, उनको परेशानी दूर करने के लिए आई हूँ मैं. और उनको मुझ पर पूरा विश्वास है, उनको पूरा यकीन है कि राखी सावंत आ जाएगी मुंबई में तो उनके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उन सबके प्रॉब्लम्स है सिवा राखी सावंत के और कोई दूर कर ही नहीं सकता. देयर इज इम्पॉसिबल. फॉर्म भर रही हूँ. कल आपको एक बड़ा सा धमाका मिलेगा. अभी तक आपको ये नहीं हुआ है? कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है. राखी सावंत को कोई रोक नहीं सकता. वो मुंबई की मुलगी है, महाराष्ट्र की मुलगी है और उसको कोई रोक नहीं सकता. क्या राज है? लेकिन आप जैसे लोग हाउस में जाएंगे तो धमाका हो जाएगा. हाँ, धमाका भी. हमारे जैसे लोग हाउस में जाएंगे तभी तो सारे नेताओं की नींद उड़ेगी. अभी तो सो रहे हैं, वो लंबी नींद सो रहे. मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पे, हाउस में जाकर, पार्लियामेंट में जाके उनकी नींद तोड़ना चाहती हूँ और उनको जगाना चाहती हूँ कि बस जनता बिचारी सुखी जा रही है और वो जनता का खून पी पी के गेंडे होते जा रहे हैं. तो पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक को मैं अपील करूंगी, पब्लिक मुझे बहुत चाहती है, पब्लिक को हाथ जोड़ के यही अपील करूंगी कि आपका एक जो वोट है वो बहुत महत्व का है, उसी नेता को दे जो आपके लिए जान दे सकता है. धन्यवाद सो मच. थैंक यू.